नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एम लाइफ स्ट्रगल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दें। मन एक बगीचा है। खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय ले। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग। सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो धुप, कितनी ही तेज हो। समुद्र सुखा नहीं करते, रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है, कितना भी डालो। प्रेम बंसी में यह भी रूठा रूठा लगता है। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुने, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो
तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है, जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। दिल्ली के आचार्य गुरमीत सिंह जी से जानते हैं भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश के बारे में, जो जीवन का मूल मंत्र है, कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो, यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, इसलिए मृत्यु से भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है, यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है, जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है।